कि अपने इस महाधिवेशन को केवल अपने दल दल के कार्यक्रम दल की नीतियों तक सीमित नहीं रखना है। अगर प्रतिनिधि का और प्रतिनिधियों का समर्थन हो तो इस महाधिवेशन को राज्यव्यापी बनाया जा सकता है। और आज आप सभी के सहमति से इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम को राज्यव्यापी बनाने का निश्चय हम सब लोगों ने लिया है। जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साधारण गांव और ग्राम सभा को आपके साथ इस सभागार में जोड़ेंगे, उनका संवाद यहां आएगा, उनके विचार इस पटल पर आएंगे, उसके साथ साथ इस राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर इस राज्य के बारे सोचने वाले, राज्य का प्रतिनिधित्व बाहर करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, सर्विस करने वाले या दूर से राज्य को निहारने वाले ऐसे चिंतक विषयविदों को इस 3 दिन के पूरे अवधि में अलग अलग विषयों के आधार पर जोड़ने का भी निर्णय हमारा है। हम सभी लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को झारखंड नवनिर्माण संकल्प समागम का नाम दिया है। यूं तो 5 साल के अवधि के बाद महाधिवेशन हो रहा है, लेकिन महाधिवेशन के उद्देश्य को बड़ा करते हुए राज्य के नवनिर्माण का संकल्प समागम का नाम इस कार्यक्रम को देते हुए इसके कार्यक्रम की रूपरेखा उसी स्तर की तैयार की गई। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं झारखंड आंदोलन के कोख से जन्मा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आज ये झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वाला छात्रों और नौजवानों का संगठन, जिसने अपने बलिदान से इस राज्य के लिए संघर्ष को गति दिया और निर्णायक लड़ाई लड़े। इस पूरी लड़ाई में रक्तरंजित आंदोलन और उससे गुजरकर यह झारखंड प्रदेश की आजादी संभव हो पाया है। जब यह प्रदेश आजाद हुआ तो पूरे प्रदेश भर के लोगों की उत्साह चरम पर थी। लोगों के लंबे समय के संघर्ष और इससे जुड़े हुए भावनाएं बांदर और नांगर के थाप पर, नगरा के थाप पर, प्रदेश के सभी गांवों में, चौराहों पर नृत्य करते हुए वो अपने आत्मविश्वास को और अपने सपनों का उदय होते हुए देख रहे थे। समय के साथ ये सपना को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कार्य रूप देना था। हमें भी इस प्रदेश के अंदर में इस राज्य के नवनिर्माण के लिए उस तत्काल सरकारों में एक सीमित प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, लेकिन हमने सीमित प्रतिनिधित्व तो था लेकिन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी। हमने राज्य के हित में, राज्य के लिए नीतिगत निर्णय से लेकर राज्य के आधारभूत संरचना के विकास में
मिले हुए दायित्व का निर्वहन किया है। प्रदेश आगे बढ़ता गया, जनमत के आधार पर सरकारें आई, सरकारें बनी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों का अरमान, आकांक्षा, आंदोलन और आंदोलन के औचित्य के विचारों को और वो विचार कमजोर पड़ता गया। इस राज्य में वसन करने वाले एसटी एससी ओबीसी जैसे मुख्य रूप से बसने वाले लोगों के पक्ष में निर्णय को केवल अखबार या कागजी उलझन में उलझाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे समय में इस राज्य का राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो तरक्की का मापदंड स्थापित होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलन की धार तो कमजोर पड़ी, लेकिन इसके साथ साथ वो विचार भी कमजोर पड़ा। मैंने इन सभी विषयों पर विचार करते हुए जो वर्तमान हालात इस प्रदेश के अंदर बना है, उन सभी विषयों पर बिंदुवार रूप से हमारे प्रतिनिधियों ने समीक्षा करते हुए राज्य के कुछ ज्वलंत विषयों को इस 30 दिन 3 दिन के अंदर इस राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञों के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए इस राज्य के हित में एक निर्णायक विषयों का, विचारों का संग्रह करने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत आने वाला 3 दिन जहां प्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोग अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखेंगे, वहीं मैंने ये दलीय रेखा को लांघते हुए इस राज्य के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को भी इस समागम में निमंत्रण दिया है। मैंने दिन बड़ा किया है, मैंने राज्य के कुछ प्रमुख विदों को भी मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजहित के अपने विचार रखने का आग्रह किया है। ये सभी विचार 3 दिन में अलग अलग समय पर आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य के हित में, इस राज्य के भावी कार्यक्रम, भावी रणनीति के लिए विचारों का एकजुट होना ज्यादा जरूरी है, और ये विचार आएंगे तो निश्चित रूप से इन विचारों के ऊपर आजसू जैसा संघर्षशील संगठन, जिन्होंने अपने संघर्ष से इस प्रदेश को निर्णायक लड़ाई तक पहुंचाया, अपनी कुर्बानी देकर इस प्रदेश को मुक्त कराया, शायद ये समय आया है कि उन विषयों के साथ कदम ताल करते हुए फिर से सड़कों पर खड़ा होकर बड़ा आंदोलन खड़ा करने का। हम दोनों ही चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं इस प्रदेश के भावनाओं का सम्मान करते हुए इस 3 दिन आप सभी का, एक एक राज्य के संस्थाओं के, नवीन पीढ़ी के, एक एक नौजवानों के क्या सोचते हैं इस राज्य के बारे, उनकी क्या कल्पना है, उनको भी कनेक्ट करने की हमारी तैयारी है। ये अपने आप में इस राज्य के लिए एक
तुम्हारा ऐसा अनुष्ठान है, ऐसा समागम है जहां दल के विचारों को पीछे हटाते हुए राज विचार को राजव्यापी कार्यक्रम के रूप में समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस संवाद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। हमारे गांव को भी कनेक्ट करना है, गांव की ग्राम सभा बैठी हुई है। समय को देखते हुए विचारों को समय पर लाने की तैयारी है। चूंकि आज कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ, हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन जिन विशेषज्ञों को जिन विषय पर हम लोगों ने लाइनअप किया है, विषय रखने का आग्रह किया है, वो निश्चित रूप से बीच में भी उनको कनेक्ट करने का और जोड़ने का हम काम करेंगे। मैं आज के दिन में आए हुए पूरे प्रदेश के जिन प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया या ऐसे प्रतिनिधि जो इसमें ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, उन सभी लोगों का आपके प्रति, आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आज हमारे इस झारखंड नवनिर्माण संकल्प समागम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।